रिसेंटली बायजूस जो है ना यार, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ चुका है। लोग कह रहे हैं कि बायजूस स्कैम कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है ये अलग बात है, लेकिन पांच बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे जो हमें बिजनेस के रिगार्डिंग बायजूस से सीखनी चाहिए हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हमारे अपने पर्सनल बिजनेस स्किल, मैनेजमेंट स्किल्स को ग्रो करने के लिए। तो वो पाँच स्ट्रेटेजीज कौन सी है इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे, देखते रहे मास्टर मंत्र मेंटरशिप। स्ट्रेटेजी है वो है द अपग्रेडेशन स्ट्रेटेजी। अपग्रेडेशन स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि आपको जो है वक्त के साथ साथ आपके बिजनेस के अंदर जो है वो बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जब बायजूस ने अपने कोचिंग क्लासेस की शुरुआत की थी ना, तब वो एक छोटे से हॉल के अंदर जो है बच्चों को पढ़ाते थे। उनकी ट्यूशन इतनी अच्छी थी कि लोग जो है उन्हें अलग अलग एरिया के पास उनकी ट्यूशन लेने आते थे, उन्हें अलग अलग रीजन से डिमांड्स आती थी। इसकी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, वो एक यूट्यूब के जैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे ताकि सारे बच्चे जो है वो अपने घर में बैठ के उनसे ट्यूशन ले सके और अल्टीमेटली बायजूस भी जो है वो पैसे कमा सके। उनके तरफ से काफ़ी अच्छा सा एक बिजनेस मॉडल उनको ये समझ में आ गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपनी एक वेबसाइट बनाई और वेबसाइट के थ्रू उन्होंने जो है वो ऑनलाइन कोचिंग देना स्टार्ट किया, राइट। ये था अपग्रेडेशन। सिमिलरली मैं आपको बताता हूँ, जब एप्पल जब सिर्फ कंप्यूटर्स और लैपटॉप बनाता था ना, तब जो है वो दूसरी दुनिया स्मार्टफोन्स के ऊपर आ रही थी धीरे धीरे, टैबलेट्स वगैरह जो है वो धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे थे, राइट। तो स्टीव जॉब्स को लगा कि भैया ये जो है वो राइट समय है स्मार्टफोन इंडस्ट्री की तरफ जाने का, क्योंकि धीरे धीरे जो स्मार्टफोन है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होने वाला है। तो उन्होंने आईफोन की शुरुआत की। तो ऐसे ही होता है, आपको जो है हमेशा वक्त के साथ साथ बदलाव लाना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है और उसके हिसाब से ही आपको आपके बिजनेस के अंदर उस ट्रेंड को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे बायजूस ने किया, एक छोटे से हॉल को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया ऑनलाइन क्लासिंग रूम के जरिए, ऑनलाइन एक वीडियो के जरिए, और उन्होंने लाखों बच्चों को जो है वो ऑनलाइन ट्यूशन देना स्टार्ट किया। सेकंड बिजनेस स्ट्रेटेजी, ऐड मोर वैल्यूज। आपको आपके कस्टमर्स के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज ऐड करनी पड़ती है। पहले क्या होता था, पहले जो है वो ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से मोनोपोली बन जाती थी और अल्टीमेटली कस्टमर को जो है वो ऑप्शन नहीं होता था तो उसे उसी के पास जाना पड़ता था। तो लेकिन आज की डेट में क्या हो गया, कस्टमर के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए। अब कस्टमर्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस आ गए ना, तो वो क्या करते हैं, उनके हाथ में अल्टीमेटली पावर ऑफ परचेस आ गया है, तो वो खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ पे जाना चाहिए और कहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए आपको आपके प्रोडक्ट के अंदर जो है वो वैल्यूज ऐड करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा वैल्यूज आप ऐड करोगे उतना ही आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा। अब ये आप कैसे कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। आप एक ऐसा कीजिए, आप अपने अगर प्रोडक्ट की प्राइस आपके 1000 रुपये, तो आप वैल्यूज भी 1000 रुपये के हिसाब से रखिए। प्रोडक्ट की प्राइस 500 रुपये, तो वैल्यूज भी 500 रुपये के हिसाब से रखिए, ताकि कस्टमर को ऐसा ना लगे कि आपका प्रोडक्ट ओवर प्राइस है या फिर वैल्यू कम है। हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। कस्टमर को हमेशा ऐसा महसूस करवाना है कि उन्होंने जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है, जिस भी प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया है ना, वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और उनके लिए ये नाउ और नेवर वाली डील है, राइट। इसी बिजनेस स्ट्रेटेजी ना, इसका नाम है कि प्रोवाइड मोर ऑप्शंस व्हेन यू हैव अ ब्रांड विल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आपके ब्रांड का जो है मार्केट में काफ़ी अच्छा नाम होगा, आपका मार्केट में आपका नाम छा चुका है, आपको लोग पहचानते हैं, आपके ब्रांड को लोग पहचानते हैं, तो आपको कस्टमर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करने चाहिए। जितने ज़्यादा ऑप्शंस आप कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे ना, उतना ही कस्टमर आपके तरफ आए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सैमसंग का। सैमसंग जो है वो सिर्फ स्मार्टफोन नहीं बनाता, वो डेस्कटॉप बनाता है, टीवीज बनाता है, लैपटॉप बनाता है, उसी के साथ साथ वो फ्रिज बनाता है, कूलर बनाता है, एसी बनाता है, रेफ्रिजरेटर्स बनाता है, राइट। वो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि भाई आज की डेट में उसका मार्केट में नाम है। इसके वजह से वो जो है वो बड़े आराम से अपने कस्टमर का जो है वो टारगेट कर सकता है। उसका कस्टमर अगर एक प्रोडक्ट लेता है ना, तो सैमसंग का अगला प्रोडक्ट लेना ज़रूर चाहेगा, क्योंकि उसे उसमें अंदर वैल्यूज दिखती है और सैमसंग के ब्रांड की वजह से वो अल्टीमेटली दूसरा प्रोडक्ट यानी कि टीवी हो सकता है, वो फ्रिज भी हो सकता है, वो परचेस कर लेता है। उसी हिसाब से बायजूस भी ये चीज़ को समझता है। बायजूस ने क्या किया, बायजूस ने सिर्फ किंडरगार्टन से लेकर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के ऊपर ही फोकस नहीं रखा। हाँ, शुरुआत के अंदर फोकस ही नहीं पे था, लेकिन उसके बाद इन्होंने IIT JEE की कोचिंग स्टार्ट कर दी, उसके बाद इन्होंने जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की कोचिंग स्टार्ट कर दी, इवन इन्होंने व्हाइट हैट जूनियर को भी एक्वायर कर लिया, जो कि बच्चों को कोडिंग सिखाता है। तो इन्होंने ऐसे करके अपने इंडस्ट्री को एक्सपांड किया और अपने नाम का पूरा इस्तेमाल किया। फोर्थ नंबर की बिजनेस स्ट्रेटेजी या फिर फोर्थ नंबर का बिजनेस लेसन हमें जो बायजूस से सीखना चाहिए वो ये है कि हमें जो है वो हमेशा प्रोडक्टिव और इफिशियंट रहना चाहिए। इफिशियंट और प्रोडक्टिव हमें इसलिए रहना चाहिए क्योंकि देखो, आज की डेट में हर एक बिजनेस के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। अगर आपका कॉम्पिटिशन एक्टिवली आपके खिलाफ स्ट्रेटेजीज इम्पोज करे जा रहा है, स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करे जा रहा है ना, तो आपको उसे काउंटर करना फर्क आपका मतलब कि आपका एक यार वो कर्तव्य है, आपका
कि आप उसे लड़िए, आप उसे वहाँ से काउंटर कीजिए, नहीं तो वो आपको रास्ते से हटा देगा। सिंपल केस है, राइट। जैसे इंडिया मार्ट ने क्या किया, इंडिया मार्ट ने जो है वो कस्टमर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसे लगा कि वही अकेला मार्केट का लीडर है और मोनोपोली उसकी है, लेकिन उड़ान आ गया, उड़ान ने उसे हटा दिया। सिमिलरली बायजूस इस चीज़ को समझता है और बायजूस जो है वो अपने कॉम्पिटिशन को टारगेट करने के लिए अपनी इफिशियंट टीम बनाता है, वो हमेशा इफिशियंटली काम करता है, अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा सुनता है। हाँ, रिसेंटली वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन बायजूस जो है वो अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। इतनी वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करता है ना कि कस्टमर अल्टीमेटली उसी के पास आता है। अब वो अपने पास आए इसलिए कस्टमर को बायजूस क्या करता है, बायजूस जो है वो अल्टीमेटली अपनी फिफ्थ नंबर की बिजनेस स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता है, वो है द कंप्लीट फोकस ऑन सेल्स स्ट्रेटजी, राइट। इसका मतलब क्या है, ये बिजनेस के लिए अगर आप देखोगे तो कंप्लीट फोकस ऑन सेल्स, राइट। सेल्स के ऊपर कंप्लीट फोकस चाहिए, सेल्स के अलावा और किसी के ऊपर फोकस चाहिए ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा तगड़ा हुआ है आज की डेट में। मैंने आपको पहले कहा था फोर्थ स्ट्रेटजी के अंदर कि अगर आपका कॉम्पिटिशन आपके खिलाफ स्ट्रेटजीज इंपोर्ट कर रहा है, इम्प्लोज कर रहा है, तो आपको कर्तव्य कि आप उसका काउंटर करें। उसके लिए आपको कस्टमर को सुनना पड़ेगा, कस्टमर को बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी। जब आप कस्टमर को अटेंशन दोगे ना तो कस्टमर अल्टीमेटली आपके पास आएगा। जब कस्टमर आपके पास आएगा तो आपको ज़्यादा चांसेस होंगे सेल्स करने के, ज़्यादा सेल्स क्लोज करने के चांसेस होंगे। जितने ज़्यादा सेल्स आप कर पाओगे उतना ही मार्केट शेयर आपका होगा इंडस्ट्री के अंदर। ये बात बायजूस अच्छे से समझता है, इसलिए बायजूस और उसके एम्प्लॉय जो है वो फियर मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं, कस्टमर के माइंड में इतना फियर क्रिएट कर देते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसका बच्चा बायजूस का प्रोडक्ट नहीं लेगा, उसका बच्चा अगर बायजूस की कोचिंग नहीं लेगा तो वो फेल हो जाएगा, उसका जीवन एकदम मतलब कि तहस नहस हो जाएगा। इतना बड़े लेवल पे फियर क्रिएट किया जाता है कस्टमर के माइंड में, ताकि बायजूस जो है वो अपनी फर्स्ट पोजीशन की, जो भी मार्केट लीडर की पोजीशन है, उसे मेंटेन कर सके। जेफ बेजोस ने एक बार कहा था कि नंबर वन बनना आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि उस पोजीशन के ऊपर डटे रहना। बायजूस इस चीज को अच्छे से समझता है, बायजूस ये जानता है कि अगर वो नंबर वन नहीं रहेगा, अगर वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स नहीं करेगा तो कोई और प्लेटफॉर्म आ जाएगा और उसे रिप्लेस कर देगा, जिसका नुकसान बायजूस को ही झेलना पड़ेगा। इसलिए बायजूस जो है फियर मार्केटिंग के इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पे करता है, और वही बात उसे आज के डेट में कंट्रोवर्सी में ले आ चुकी है, और उसी वजह से आप देख रहे होंगे रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बन रहे हैं कि बायजूस ने स्कैम किया, बायजूस ने ये किया, बायजूस लोगों के पैसे लूट रहा है वगैरह वगैरह फलाना शलाना। ये बस मतलब कि ऐसा है कि ये फेयर मार्केटिंग के इस्तेमाल इतने बड़े लेवल पर करते हैं कि अल्टीमेटली जब कस्टमर इनके पास इनसे प्रोडक्ट लेता है और अगर वो खुश नहीं होता है तो फिर उसको रिफंड वगैरह लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और उसकी वजह से बायजूस का आज के डेट में नाम भी बहुत ख़राब हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।